क्लास सिक्स कारक प्रकरण। पिछले क्लास में हमने चतुर्थी विभक्ति तक का प्रयोग पढ़ लिया था। आज हम पंचमी से पढ़ना शुरू करेंगे। पंचमी विभक्ति जो है उसका कारक चिन्ह है से अलग और इसका कारक है अपादान। अपादान कारक पंचमी विभक्ति प्रयोग में जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है, किसी से भी कोई अलग हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो वहां पंचमी का प्रयोग किया जाता है। पंचमी का जो कारक चिन्ह है वह है से अलग। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। यहाँ पत्ते के गिरने की क्रिया जो है वो किस से अलग होने के कारण हो रही, गिरने की क्रिया वृक्ष से। तो जिससे कोई अलग होता है उसमें पंचमी का प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण और है, जैसे बालक विद्यालयात आगच्छति, बालक विद्यालय से आता है। विद्यालय से आता है तो विद्यालय से वो घर ही आएगा। तो विद्यालयात विद्यालय से अलग हो रहा है तभी वह घर आ रहा है। तो छात्र विद्यालयात गृहम आगच्छति, छात्र विद्यालय से घर आ रहा है। तो जिससे कोई अलग हो वहां पंचमी का प्रयोग किया जाता है। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहां किन्हीं भी दो वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के परस्पर संबंध को बताया जाता है वहां पर संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः दशरथस्य पुत्र, राम जो है वो दशरथ का पुत्र है। और रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, यहाँ काल में समय में परिवर्तन है। एक वर्तमान काल का वाक्य है, एक भूतकाल का वाक्य है। तो रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, ये वाक्य का हिंदी अर्थ है राम दशरथ का पुत्र था। तो इसमें आसीत था, रामः राम, राम था दशरथ का पुत्र, दशरथस्य पुत्रः दशरथ का पुत्र था। अब राम के होने में दशरथ उसके पिता हैं, इसलिए पिता और पुत्र के संबंध को, भाव को दिखाने वाला ये जो वाक्य है वो प्रदर्शित कर रहा है कि जिससे संबंध बताया है, दशरथ से संबंध बताया है कि दशरथ का पुत्र था, इसलिए दशरथ शब्द में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। और संबंध जो है उस कारक का कारक चिन्ह है का, के की, उसका, उसके, उसकी। ठीक है, अब हम आ गए अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति पर। सप्तमी विभक्ति क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। इसका अधिकरण कारक है जिसमें क्रिया का आधार हो। जैसे कहीं कोई पदार्थ रखा है तो वो किस बर्तन में रखा है वो उसका आधार होगा। कोई कहाँ रहता है वो रहने का आधार है। हर क्रिया के होने का कोई ना कोई आधार हो सकता है और होता है। जैसे वृक्षे काकः तिष्ठति, वृक्ष पर काकः यानी कौवा, तिष्ठ धातु में वर्तमान काल, तिष्ठति वैसे स्था धातु होती है, स्था का तिष्ठ रूप बनता है, तो तिष्ठति बैठता है, ये बैठा है। कहाँ बैठा है? वृक्षे, वृक्ष पर काक यानी कौवा बैठा है। अब वृक्ष पर बैठा है इसका मतलब निश्चित है वृक्ष पर क्या होगा, शाखाएं होंगी, डालियां होंगी, है ना, तो वहां पर वो बैठा है। तो काकः तिष्ठति, कौवा बैठा है। इस क्रिया में बैठने का आधार क्या है? वृक्ष। तो वृक्ष पर बैठा है वो कौवा जो है वो जमीन पर नीचे भी बैठ सकता है, अपने घोंसले के अंदर भी बैठ सकता है। कौवा किसी प्रासाद, भवन, महल, किसी घर के ऊपर भी बैठ सकता है।
तो परंतु ऐसा न करते हुए वो कहाँ बैठा है, वह वृक्ष के ऊपर बैठा है। तो वृक्ष पर शब्द में सप्तमी का प्रयोग होगा और अधिकरण कारक के कारक चिन्ह है में, पे, पर। अब हम आए संबोधन कारक। संबोधन कारक जिससे किसी को पुकारा जाए, उसका भाव पता चले कि किसी को बुलाया जा रहा है, जैसे उसे संबोधन कहते हैं। जैसे विनोद, त्वम पुत्र गच्छसि। विनोद के बाद में संबोधन सूचक चिन्ह है, विनोद संबोधन चिन्ह लगेगा, संबोधन सूचक चिन्ह लगेगा, उसके आगे लिखा है त्वम पुत्र गच्छसि। त्वम यानि तुम, या तू पुत्र यानि कहाँ, गच्छसि जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है। उसके साथ में संज्ञा है, नाम है उसका विनोद। तो ये विनोद से पूछा जा रहा है, विनोद नाम के बालक, युवा, जो भी कोई है व्यक्ति, उससे पूछा जा रहा है कि विनोद तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। सिंपल सेंटेंस है जिसमें कर्ता है, क्रिया है, परंतु संबोधन के साथ इसका जब प्रयोग किया गया है तो ये विनोद जो है वो संबोधन सूचक चिन्ह है और उस पर संबोधन का चिन्ह भी लगा है। विनोद जो है वो पुकारा जा रहा है, उसको आवाज दी जा रही है, उसके नाम को बोला जा रहा है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ विनोद से ही कहा जा रहा है। तो आज हमने प्रथमा से लेकर सप्तमी तक का विभक्ति प्रयोग जो है उसको पढ़ लिया है। अब हम इन विभक्ति का शब्द के साथ कैसे प्रयोग होता है ये देखेंगे। शब्द जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं, जिन वर्णों से उनका अंत होता है वो उस अंत के साथ बोले जाते हैं, जाने जाते हैं। जैसे अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, तकारांत, नकारांत, सकारांत। जैसे अकारांत शब्द में राम, बालक, अकारांत पुंलिंग शब्द होगा, अकारांत शब्द पुंलिंग शब्द होंगे और आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होंगे और नपुंसकलिंग शब्द भी अकारांत होंगे। जैसे पुस्तक, नपुंसकलिंग शब्द बनेगा पुस्तकम, गृहम। तो अकारांत, आकारांत और नपुंसकलिंग शब्द स्त्रीलिंग, पुंलिंग और नपुंसकलिंग शब्द। इन शब्दों का जब हम प्रथमा से संबोधन तक का प्रयोग करेंगे तो जो हमने कारक और कारक चिन्ह पढ़े हैं बच्चों, ये ही कारक और कारक चिन्ह उन शब्दों के अर्थ को बताने वाले होंगे। और हर शब्द एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के साथ चलता है, पूरे सभी विभक्तियों में चलता है। तो मैं आज आपको एक शब्द रूप अर्थ के साथ बताती हूँ, बाकी के आपको खुद पढ़ने पर समझ में आ जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं देव शब्द, अकारांत पुंलिंग शब्द। अब देव शब्द है, देव शब्द है, इसका पद बनेगा देवः, है ना। तो देव जो है, देव शब्द सुनते ही हमें पता चलता है कि ये पुंलिंग शब्द है, पुरुष के लिए प्रयोग किया गया, भगवान। देव किसी का नाम भी हो सकता है, होता है किसी किसी के नाम देव होते हैं। तो देव शब्द जो है वो है अकारांत पुंलिंग शब्द। अब इसको प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी होगी, नहीं होगी, सप्तमी के बाद होगा संबोधन। तो प्रथमा से सप्तमी विभक्ति और संबोधन कारक जो है उसके साथ इसको हम देव शब्द चलाएंगे। देव शब्द के अपने रूप, शब्द रूप कहते हैं इनको, कि जो शब्दों के रूप को बताए, जिसमें कारक लग जाता है वो शब्द विभक्ति के अर्थ को बताते हैं। जैसे मैं पढ़ रही हूं, पहले मैं एकवचन शब्द पढ़ूंगी, उसके साथ द्विवचन, बहुवचन और फिर विभक्ति। तो आपको ये चारों शब्द एक बार में पढ़ूंगी और फिर उसका अर्थ बताऊंगी, ध्यान से सुनेंगे और अगर आपके पास बुक है तो उसको बाद में चेक करेंगे कि कैसे उसको रीड करना और कैसे समझना। देखिए, देवः, देवौ, देवाः, प्रथमा,
ठीक है। देवः देवौ देवाः प्रथमा, देवः एक देव, देवौ दो देव, देवाः बहुत से देव। अब इनका अर्थ कारक चिन्ह लगाने पर होगा, एक देव ने, दो देवों ने और बहुत से देवों ने। फिर है देवम देवौ देवानम, द्वितीया, द्वितीया के लिए क्या कारक चिन्ह होगा, कर्म को। तो एक देव को, दो देवों को और बहुत से देवों को। तृतीया होगा देवेन देवाभ्याम देवै ही, शेषाथ द्वारा, देव से देव के द्वारा, दो देव से दो देवों के द्वारा और बहुत से देवों से या बहुत से देवों के द्वारा। ये होगी हमारी तृतीय विभक्ति। अब हम आए चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी होगी देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः। देवाय एक देव के लिए, दो देवों के लिए और बहुत से देवों के लिए। फिर है देवात देवाभ्याम देवेभ्यः, पंचमी विभक्ति। देवात एक देव से अलग, देवाभ्याम दो देवों से अलग और देवेभ्यः बहुत से देवों से अलग। देवस्य देवयोः देवा नाम, देवस्य एक देव का, देवयोः दो देवों का और देवा नाम बहुत से देवों का। फिर है देवे देवयोः देवेषु, एक देव ने, दो देवों ने, बहुत से देवों ने। फिर है हे देव, हे देवौ हे देवाः। देखिए प्रथमा विभक्ति की तरह ही चलेगा और इसमें संबोधन सूचक चिन्ह लग जाएगा। तो हे देव, हे एक देव, हे दो देवों, हे बहुत से देवताओं या देवों, जो भी एक संज्ञा है। तो इस तरह से मैंने आपको आज विभक्ति प्रयोग शब्द के साथ कैसे किया और इन्हीं का हम अर्थ के साथ प्रयोग करते हैं एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो ये हमने आज कारक और कारक चिन्ह पढ़ लिए बच्चों। एक स्त्रीलिंग शब्द, एक नपुंसकलिंग शब्द, एक अकारांत पुंलिंग शब्द, ये तीन आपको आवश्यक रूप से जानना है। मैंने आपको अकारांत पुंलिंग शब्द बता दिया है, इसके आगे आप लता रमा बालिका है ना, उसके बाद ग्रहम पुस्तकम पुष्पम, ये शब्दों को पढ़ेंगे और समझेंगे, इनका होमवर्क करेंगे, इनको पढ़ना है और इनके अर्थों को निकालना है। तो ये जो है आज हमने कारक प्रकरण वाला चैप्टर पूरा कर लिया, उसके साथ शब्द रूप भी पढ़ लिए हैं। तो जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करिएगा और थैंक यू।